और इस बार एक खिलाड़ी आउट। कोल्हापुर का स्कोर बढ़कर हो गया 30। हाफ टाइम के बाद का खेल की पहली रेड में अंक हासिल किया कोल्हापुर ने। इस बार पकड़ लिया गया, काफी शानदार टैकल, अच्छा सपोर्ट, एक और अंक कोल्हापुर को। अगला जो मुकाबला है वो माधवपुरा वर्सेस न्यू राजस्थान की ओर से खेला जाएगा, वो भी काफी शानदार मुकाबला होगा। दिन का तीसरा मुकाबला, एक अंक और कलवा को, इस बीच दो अंक कलवा का स्कोर बढ़कर हो गया है 12, कोल्हापुर का स्कोर अभी भी 21। इस बार खाली हाथ लौटना पड़ेगा, 3 का डिफेंस कलवा के पाले में, देखते हैं कि इस खिलाड़ी को पकड़ते हैं या नहीं। कलवा को टाइम रहते चेतना होगा क्योंकि काफी लीड है कोल्हापुर के पास। इस बीच एक अंक और कोल्हापुर को। अगला जो मुकाबला है वो माधोपुर और न्यू राजस्थान के मध्य खेला जाएगा, दोनों टीमें तैयार हैं, इसके जस्ट बाद उनका मुकाबला है। इस बीच एक अंक कलवा के खाते में, कोल्हापुर के अभी भी काफी लीड है उनके पास। कलवा का स्कोर 13 और इस बीच एक अंक और हासिल किया कोल्हापुर ने। कोल्हापुर का स्कोर लंबे ऊंचे ऊंचे छलांगे लगाता हुआ 23 पे जा पहुंचा है, 10 अंकों की लीड अभी भी है उनके पास। और ये दूसरे हाफ का खेल चल रहा है, जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है वैसे वैसे कोल्हापुर अपनी जीत सुनिश्चित करता जा रहा है। इस बीच एडवांस टैकल करने का प्रयास किया इस तरह खिलाड़ी ने, एक अंक हासिल किया अपनी टीम और अपने लिए। कलवा का स्कोर बढ़कर हो गया है 14, कोल्हापुर का स्कोर 23, 9 अंकों की लीड अभी भी कोल्हापुर के पास है। 3 खिलाड़ी मौजूद कोर्ट में, काफी पीछे खेलते हुए। अगर कलवा को ये इस मैच में मुकाबला करना है तो गुच्छे में पॉइंट लेके आने होंगे और काफी तेजी से आक्रामक खेल दिखाना होगा कलवा के खिलाड़ियों को अगर इस मुकाबले में बने रहना है। एक बार फिर से अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए पॉइंट लेने का, काफी अंदर तक जाने का प्रयास। खिलाड़ी इधर उधर दौड़ाते हुए अपनी तरफ से परफेक्ट प्रयास कर रहे हैं पॉइंट लेने का। कलवा का स्कोर 14, कोल्हापुर का स्कोर 23। लंबे कद के खिलाड़ी बोनस का प्रयास करता हुआ, 99 नंबर का खिलाड़ी, इस बार टैकल कर लिया गया, दबोच लिया गया, काफी शानदार सपोर्ट। कलवा का स्कोर 14, कोल्हापुर का स्कोर 24, 10 अंकों की लीड के साथ कोल्हापुर अपनी तरफ से प्रयास किया। एम्पायर का इंतजार और रेडर आउट, एक अंक मिला कलवा को, काफी शानदार पुश किया था इस नन्हे से खिलाड़ी ने, दो सुपर टैकल था। तीन खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद, कलवा के खिलाड़ियों को काफी आक्रामक खेल दिखाता हुआ कोल्हापुर का एक खिलाड़ी, काफी अंदर में जाने का प्रयास किया, डबल टैकल कर लिया, लेकिन इस बार सफल नहीं हुआ, दो अंक मिले कोल्हापुर को। अरे शौक कोनी बंदे के भाई, काफी बना गिर गया बस। शानदार मुकाबला चल रहा था पहले हाफ तक, लेकिन उसके बाद दूसरे हाफ में कोल्हापुर की टीम गुच्छों में पॉइंट लेके गई है और इस बार एक और पॉइंट कोल्हापुर को, और ऑल आउट होता हुआ एक पेनल्टी और लगी है कलवा को, 3 अंक मिले कोल्हापुर को। वीडियो तो काफी
युवा खिलाड़ी है, इस बार तो दोष लिया गया इसको, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए है, सात खिलाड़ियों से बचकर जाना। कलवा का स्कोर 17, कोलासर का स्कोर 29, 12 अंकों की लीड अभी भी कोलासर के पास। एक अंक और मिला कोलासर को, इनका यह दूसरा मुकाबला। दर्शक इस उम्मीद के साथ कि यह मुकाबला काफी रोमांचक मिलेगा, लेकिन कलवा की टीम कोलासर के मुकाबला काफी पीछे रही है। इस बार 2 अंक मिले कोलासर को। काफी शांतिपूर्ण मुकाबला, और इस बार अपनी तरफ से प्रयास किया, 1 अंक मिला, रेडर आउट। कोलासर को 1 अंक और मिला, पकड़ लिया गया था रेडर को।